నీ టైం స్టార్ట్ అయింది బుజ్జి. పద బైర్వా బైర్వా, ఇప్పుడు ఈ స్లో మోషన్ అవసరమా? తొందరగా వెళ్ళు తొందరగా, ఐ వాంట్ టు సీ. ये चीजों का मैं उम्मीद नहीं कर रहा था. मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग पांचवें एपिसोड में रिलीज करने वाले हैं, बट यहां मेकर्स ने बहुत ही सही दाव खेला है कि वो लोग 22 तारीख के इवेंट को लेकर ना अभी से ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं. और मैं तुम लोगों को बोला ही हुआ था कि 22 तारीख का जो इवेंट होने वाला है रामोजी फिल्म सिटी में, उस इवेंट में प्रभास सर एक सुपर कार, मीन्स एक साइफाई वाले कार में तुम सबको देखने को मिलने वाले. और यहां मेकर्स ने भी कंफर्म कर दिया हुआ है ये स्क्रैच एपिसोड 4 को रिलीज करके कि 22 तारीख को ही वो लोग ये कार को, मीन्स कार के लुक को रिवील करने वाले हैं. यहाँ तक ठीक था यार, बट ये जो स्क्रैच वीडियो में ना दो चीज़ें मेरे को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा. सबसे पहले भाई प्रभासर का लुक, प्रभासर की पर्सनालिटी, सीरियसली यार, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये इंसान जो अपने प्रभासर है ना, लोगों को मारने वाले हैं. मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर को देखने के बाद ना प्रभास सर का जो फैन फॉलोइंग है ना लड़कियों के बीच में, और ज्यादा बढ़ने वाला है. खासकर नॉर्थ साइड के लोग में ये कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्यार देने वाले हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने मस्त मौला इंसान है, थोड़ा जॉली है, ऊपर से भाई इसे ना इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा शौक है. यही वजह है कि ये कैरेक्टर अपने लिए एक सुपर कार टाइप से चीजें बनाता है. और इससे भी बड़ी चीज ये है, ये कैरेक्टर के पास एक अपनी बूची है. Like how our brain controls our body, बूची's body also is controlled by a brain. Hi, नेनु बूची ब्रेन. और सो यहाँ जो लोग को नहीं पता है मैं बता दूं, ये जो बूची कैरेक्टर है ना, वो कल की जो भगवान थे ना, उनके पास ना एक पैरोट हुआ करता था. पैरोट ना इनको ना सही मार्ग बताता था, के साथ साथ में सही डिसीजन लेने में ना इनको थोड़ा सा हेल्प करता था. तो जो अपने कल्कि भगवान के पास जो पैरोट था ना, उसी का मेटाफोरिकल रेफरेंस के द्वारा ना ये बूची के कैरेक्टर को बनाया गया हुआ है. और ये भी कैरेक्टर भैरवा को ना सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा. बट हाँ, थोड़ा इसे ना इंटरेस्टिंग तरीका से इसे प्रेजेंट करने के मेकर्स ने प्लानिंग करा हुआ है. और इस कैरेक्टर में जिस तरीका से कृति सुरेश का जो आवाज है, जो वॉइस है, सीरियसली दिल जीतता हुआ नजर आ रहा है यार. तो यहाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं इस फिल्म को लेकर बातें करता हूँ ना, बहुत ऐसे लोगों का ये चीज़ें कमेंट आता है, संजू क्या सच में यार नागा स्विंसर जो इस फिल्म का डायरेक्टर है वो एक हॉलीवुड स्केल के फिल्में बना रहे? तो भाई लोग, स्क्रैच वीडियो तुम लोग के सामने है, तुम लोग जाके देखो. क्या अभी भी डाउट लग रहा है तुम लोगों को कि जो हमारे फिल्म मेकर्स है नागस्विन टाइप से, वो लोग किसी हॉलीवुड के फिल्म मेकर से कम नहीं है? बट ये है ना, हमारे पास ना बजट कम है, बट अभी बजट भी अवेलेबल हो गया हुआ है और बड़ा बड़ा स्टार लोग भी अवेलेबल हो गया है. तो भाई अब तुम लोग आने वाला टाइम में देखना, इस टाइप से फिल्में ना बहुत बनती हुई दिखाई देगी. और मैं सीरियसली यार ये स्क्रैच वीडियो को देख के ना भाई मेरा सीना चौड़ा हो गया यार. मुझे पता था कि ये लोग बहुत ही हाई लेवल की फिल्में बना रहे हैं, बट अब सीना चौड़ा इसलिए हो गया ना ताकि अब जब मैं कोई भी चीज़ें तुम लोगों को बोलूँगा ना, तो तुम लोग मेरी बातों में बिलीव करोगे यार कि नहीं संजू बोल रहे हैं ऐसा, मतलब ये सच में इसी स्टैंडर्ड की है. सो अब तुम लोग बताओ, तुम लोग को इस पर क्या कहना है, तुम लोग ये स्क्रैच वीडियो कैसा लगा है, ओपिनियन कॉमेंट करके तुम लोग ज़रूर बताना.